Good morning, students. This is Mohan Kumar from SUPTW. Today, I will teach you science, class 1, lesson 3, health and hygiene. Actually, these are the topics. First, keeping fit and healthy. Second, keeping clean. And third, good eating habits. You all know that keeping fit and healthy. हम अपने आप को कैसे फिट रखते हैं जिससे हम हेल्दी हो सकें, हेल्दी रह सकें, ये हमें इस बुक के इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हम अपने आप को जीवित कैसे रखते हैं। तो ये हम भोजन करने से जीवित रहते हैं, तो भोजन भी हम कैसा भोजन, हेल्दी फूड। अगर हम अपने आप में डेली प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर समय पे हेल्दी फूड लेते हैं तो हम अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं। हेल्दी फूड करने का सेंस स्वच्छ भोजन, जैसे कि आप ताजा भोजन करें, साफ सुथरा भोजन करें और प्रत्येक प्रकार का भोजन करें, क्योंकि भोजन जो होता है कई प्रकार का होता है। चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, सब्जी में हरा साग सब्जी है, फल है, दूध है, कि ये सारे के लिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इसमें इसके अंदर कौन सी न्यूट्रिशन पाया जाता है उसके अकॉर्डिंगली उसका टाइमिंग फिक्स है और कितना मात्रा में हमें लेना चाहिए वो सब बताया गया है। तो हम वो किस टाइम में कौन सा भोजन करना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। सुबह ब्रेकफास्ट में लंच, ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट हमें कम से कम 10 बजे से पहले, या ज्यादा अच्छा है कि 8 बजे तक आप कर लें, अगर नहीं कर पाते हैं तो 10 बजे से पहले कर लें। उसके बाद हम लंच कर लें, 12-1 बजे के करीब लंच करें और उसके बाद हम शाम में थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स लेते हैं या फिर हम कुछ ले सकते हैं या लेते हैं, नहीं भी लेते हैं रात को फिर डिनर करते हैं। डिनर में हम चपाती वगैरह लेते हैं, रोटी वगैरह लेते हैं, कुछ बच्चे या कुछ लोग चावल खाना पसंद करते हैं रोटी के बाद। तो ये आपका भोजन का शेड्यूल हो गया कि आप किस समय कौन सा भोजन करें और इसे हम क्या बोलेंगे, हेल्दी फूड बोलेंगे क्योंकि स्वच्छ खाना है। और दूसरे शब्दों में इसको हम बैलेंस्ड डाइट में बोलते हैं कि प्रॉपर मात्रा में हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, दैट इज बैलेंस्ड डाइट होता है प्रॉपर टाइम में और जो हम खाएं प्रॉपर टाइम में खाएं। दूसरा टॉपिक आते हैं कीपिंग क्लीन। अब खाना तो खा रहे हैं, खाना सही से खा रहे हैं, लेकिन अब हम अपने आप को, अपने शरीर के ऑर्गेन्स को और खाना को, अपने सराउंडिंग्स को, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं रखेंगे तो भी ये खाना हमारे लिए अनहेल्दी हो जाएगा। हम खाना खाते हैं, हमारा नाखून ठीक से कटा हुआ नहीं है तो नाखून की गंदगी खाना के साथ पेट में जाएगा, हमें तरह तरह की बीमारी होगी। इसके अलावा हम नहाते नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, हाथ धो के नहीं खाते हैं तो भी गंदगी हमारे शरीर में जाएगी, हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बावजूद अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो भी हमारे दांत में तरह तरह की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम खाना मुंह से ही खाते हैं ना, मुंह से दांत से हम खाना को चबाते हैं, रगड़ते हैं, तो उस स्थिति में खाना का छोटा छोटा कण हमारे दांत में फंस जाता है। अगर हम प्रॉपर ब्रश ना करें तो वो रिमूव नहीं होगा मुंह से और वो एक तरह का वास उत्पन्न करेगा जिसको हम पैरिया वगैरह क्या क्या दांत का टूथेक वगैरह दांत में दर्द हो जाएगा सब होते हैं। तो क्लीनिंग भी मोस्ट, जिस प्रकार से आपके लिए हेल्दी फूड नेसेसरी है सेम आपके लिए साफ सुथरा भी नेसेसरी है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आप हेल्दी फूड लेते हैं, अपने आप को साफ नहीं रखते हुए हैं तो आपका हेल्दी फूड भी अनहेल्दी हो जाएगा। थर्ड टॉपिक आपका गुड ईटिंग हैबिट्स। तो मैंने आपको बताया है गुड ईटिंग हैबिट्स क्या है, खाने से पहले हाथ धोना, खाने के बाद हाथ धोना, उसके बाद खाने के बाद वो गला जाके मुंह में कुल्ला जिसको बोलते हैं उसको फेंकना, साफ सुथरा खाना खाना, स्टील भोजन ना करना, जंक फूड नहीं लेना, रोड वेंडर के साइड से भोजन ना करना, घर का पका हुआ भोजन करना, ज्यादा ऑयली फूड ना खाना, ये सब गुड ईटिंग हैबिट्स है। उसके बाद आपको प्रॉपर टाइम पे खाना, जैसे आप समझ रहे हैं कि सुबह में नाश्ता 8 बजे लेते हैं तो डेली नाश्ता 8 बजे, लंच दोपहर को 12 बजे लेते हैं तो डेली लंच दोपहर को 12 बजे ले, और इतना हम समय समझे कि आपके भोजन में प्रत्येक चीज अवेलेबल हो, टोटल चीज अवेलेबल हो। ऐसा नहीं हो कि दिन रात आप चावल खा रहे हैं तो फिर आप हेल्दी नहीं है, टोटल भोजन का प्रत्येक चीज आपको प्रत्येक मात्रा में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, स्टार्च चाहिए, हर चीज आपको चाहिए, जिसकी मात्रा बनाई गई है उतना मात्रा में आपको लेना है
फूड ईटिंग हैबिट्स यही है कि आप प्रॉपर समय पे खाएं और सही से खाएं, एक्सरसाइज करें, खाना को डाइजेस्ट करें, पानी प्रॉपर पिए, खाना के साथ आप सलाद खाएं, ये सब फूड ईटिंग हैबिट्स है। इसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। वन मीनिंग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। धन्यवाद।